बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई आज एक बहुत ही ज़बरदस्त सीनियर उस्ताद हैं और बड़े सीनियर फैंसियर हैं, अच्छे ब्रीडर हैं जावा के हवाले से। इंशाल्लाह इनसे मिलेंगे और इनसे मालूमात करेंगे और कुछ इनसे सवालात करेंगे, जिससे भाई पूछेंगे कि मार्केट की सिचुएशन कहाँ जा रही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं मारियो भाई, तो ये है कि इनसे पूछेंगे भाई क्या सिचुएशन है, जो दो चार सवालात हैं जावा के हवाले से। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, इन्फॉर्मेटिव होगी, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो इंशाल्लाह वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो भाई यहीं पे लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ फ़ायदे की बात ज़रूर होती है वीडियो के अंदर, तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलें आपको शुरू करते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे भाई क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? अच्छा भाई ये बताएं, आज आप मार्केट में माशाल्लाह से नज़र आ रहे हैं, मुझे ये बताएं कि आजकल मार्केट की क्या सिचुएशन है? बस मार्केट में ये है कि लोग सब लेके आ रहे जावा, बल्कि कोई खरीदने वाला नहीं है। रेट तो इन लोग ने रेट इतना कम कर दिया, इतना गिरा दिया, फिर भी लोग नहीं ले रहे। अभी 3,000 बोल रहे हैं तो इन लोग बोल रहे हैं 2,000। अब ये इतना मेहनत लगता है इनको ब्रीड करने में, ये थोड़ी कि ऐसी पलते है। ये बाजरे का रेट देख लो, बिल्कुल ऐसा ही है। इनका फीड देख लो, इनका सॉफ्ट फीड देख लो, इनको संभालना है सब चीज़ है, फिर भी देखो क्या है। अभी अब लोगों को क्या मिल रहा है, लोगों का घर चल रहा है इससे यार। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि कौन लोग हैं जो ख़राब कर रहे हैं, हम रेट जो ख़राब करने के चक्कर में लगे हैं? ये जो पंजाब से इन लोग ने, बड़े बड़े लोगों ने इतने फार्म लगा दिए और इधर उठा के कराची में भेज दिए सब कचरे को, जो रिटायर हुआ माल इधर बेच रहे हैं और वो इतना कम रेट पर, और लोगों ने स्कीम खोले हुए। अच्छा देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि हमने जैसे लोगों को बताया कि यार जो माल ख़राब, तो अब ये बताएं कि ये मार्केट किस तरफ जा रही है, अभी क्या पोजीशन है मार्केट? ये मार्केट जो है फिलहाल तो डाउनफॉल को है, ठीक लग रहा नहीं है कि कुछ ऊपर और नीचे होएगा इसका रेट, मेरे को तो नहीं लग रहा। अभी ये देखो अल्लाह करे बस बेहतरी करे मार्केट को, एक्सपोर्ट खुले या इनका रेट ऊपर हो जावे। हम तो ये बोल रहे बंदों को, भाई जो अपना घर का ब्रीड है वो कम से कम पे नहीं बेचो। अब ये लोग हमारे सामने अभी इतना कम पे लोग जो घर के ब्रीड है वो लोग उठा के दे के चले जाते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखने में आई है, जो ब्रोकर, तो ब्रोकर अब ब्रोकर घर उसे जो है ना अपना सेटअप दिखा के वो शुरू कर दिया है, ये भी इसमें क्या सदाकत है ये भी बता दें। हाँ ये भी है कि वो लोग बस इतना वही है कि ब्रोकर अभी घर से बेच रहे हैं और बोलता है भाई ये मेरे घर के ब्रीड है, घर के ब्रीड है, अपना ब्रीड सेटअप दिखा रहे हैं। हम और तो बोलते हैं भाई आके देख लो, हम तो बोलते हैं देखो मेरे जब से 3 साल से मैं बेच रहा हूँ सब पे मेरा ये ब्लैक वाले रिंग्स होते हैं। अच्छा ये बारीक रिंग डालते हैं आप? बिल्कुल, वो रबड़ वाले वॉशेज होते हैं इन पे, मैं वहाँ से बनवाता हूँ ये रिंग। अच्छा माशाल्लाह से, आप ये बताएं कौन कौन से आपने बर्ड्स रखे हुए घर में? मेरे पास खाली जावा पे मैं काम, सिर्फ जावा पे काम करते हैं। कौन कौन सी जावा रखी हुई है? मेरे पास ग्रे है, वाइट है, सिल्वर है, फोन है। माने में जब मैंने रखा था मैंने 250 का भी लिया फोन जावा। अच्छा आज से 25-30 साल पहले की बात है? सही बात है, अभी का बात नहीं है, एम्प्रेस मार्केट से हम खरीदे। अच्छा ये बताएं आपके जो इस टर्न ओवर के अंदर कितनी दफा रेट गिर गया? बिल्कुल नहीं गिरे, बल्कि ऐसा नहीं गिरा, ये जो इस साल डाउनफॉल हुआ ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। ये ज्यादा हो गया, मतलब ये हर बर्ड के साथ हो गया, जैसा 1,000, 1,500, 2,000, 3,000 भी गिरता है, ये तो अभी बिल्कुल ही कचरा हो गया। ये शुक्र है कि फोन फिर भी 50%। हाँ ये बात है कि जावा फिर भी जो है माशाल्लाह से अभी भी चल रहा है, जावा 50% पे चल रहा है, 50% पे चल रहा है। बाकिया तो जैसे लपट वगैरह है वो तो बिल्कुल ही जो है अभी अल्बाइन लोगों कितना था और क्या हो गया, और न्यू फैंसियर भी नहीं आ रहा। अच्छा ये बताएं कि जैसे अभी आप यहाँ बैठे हुए कस्टमर आपके पास आ रहा है जावा का पूछने के लिए आ रहा है, तो उसकी क्या डिमांड है, उसकी क्या सोच है? बस इनका यही है जैसा मैं 3,000 बोलता है यार बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप मार्केट के हिसाब से। भाई हमको मालूम है कि हम लोग का क्या है, इसको पालने कैसा होता है। बिल्कुल, और जावा का ये है कि जरा सा भी हल्का हुई और गई, ये कोई संभाल बचाने का नहीं होता, चलती है तो चलती रहती है तो वरना गई। ये बिल्कुल अब लोगों को ये समझ में नहीं आता, लोग चाहते हैं बिल्कुल जो है ना कचरे के दाम मिल जाए। अभी ले रहे हैं पट्टे बोल के लोग फर्स्ट ब्रीड करा रहे हैं, आप ये पूरा सीजन इनका निकल जाएगा वो ब्रीड नहीं होएगा। अभी मेरे साथ एक भाई बेच रहा था वाइट जावा, अच्छा वो 2,200 के हिसाब से थे, वो पट्टे थे और लोग हंस के ले रहे हैं इनसे। असल में होता ये 4 से 5 महीने में ना मोल्ड करता है, जो फर्स्ट मोल्ड जो होता है साफ करता है तो वो कर लेता है, वो बोलते हैं भाई ये रेडी टू ब्रीड। अच्छा फोन में भी यही मसला है, 5-6 महीने का होता है ना वो कलर जरा लेकर आता है, लोग बोलते हैं ये रेडी टू ब्रीड है, तो ये लोग इसमें भी ज्यादा और जो रेट सस्ते होते हैं। अब लोगों को समझा के हम तो थक गए, वही सही बात है। अब लोगों को क्या मैसेज देंगे आप कुछ? मैं तो ये कहता हूँ भाई के लोगों को कि थोड़ा सब्र कर ले,
थोड़ा होल्डिंग पावर रखो और अपना जो घर का चीज़ है वो थोड़ा सा ऊपर रेट रख के बेचो, बिल्कुल कचरे का नहीं करो उसको। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ही मार्केट ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, जावा में कितना खर्चा लग जाता है अगर लोग होल्ड करें? लोग जावा खाली देखो सॉफ्टवेयर है, मेहनत ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है। देखो फीड तो हर आपने ये बेजबान है और जबान उनको देना है भाई दाना। बिल्कुल, मैंने देखा एक टॉपिक बनाया था कि लोग दाना बहुत कर रहे थे कि भाई दाना, तो मैंने कहा भाई खाता पीता तो नसीब का है, वो तो अपना नसीब का। बिल्कुल, जो हमें दे रहा है खुदा तो वो उनको भी दे रहा है, वही पालने वाली जात है। आप कुछ नहीं खिला सकते, किसी को नहीं खिला सकते, अपनी मेहनत है, बस मेहनत वाली है। ठीक, बिल्कुल ऐसा ही है। देखभाल ही सफाई अफाई नहीं करेगा तो समझो आप शौक नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे जो बिजनेस करने के लिए आए थे और वो शौक में और बिजनेस में क्या फर्क है जरा ये भी बता दें, लोग जैसे शौक करते हैं। देखो शौक और बिजनेस पहला शौक से शुरू होते हैं। अच्छा, लोग जो है जैसा बिजनेस के तौर पे लिया और मैंने ब्रीड किया, वो ब्रीड कभी नहीं होएगा, क्यों? वो संभालना नहीं आता लोगों को। लोग ने कभी पहला असल में उसके बारे में फिर एडवाइस लो किसी से और फिर वो शुरू करे ये चीज़। अब वो लोग करते नहीं है, बस डाल देते हैं, इनको पता ही नहीं है। लोगों ने ऐसे भी इनको ना दे दिया। हाँ, ये भी अभी लोगों एक एक जगह मैं गया था उसमें इसके अंडी है, मैं 18 अंडे दे ओए होए, वो फीमेल तो फीमेल तीन फीमेल है, अंडे ही दे रहे हैं और एक नर था, वो नर भी पता नहीं इनसे जोड़ नहीं खा रहा था, ये जो मीटिंग नहीं हो रहा था, वो खाली अंडे और अनफर्टिलाइज। एक अंडा मैंने सब तोड़ के दिखाया उसको कि 18 के 18 अनफर्टिलाइज नहीं। तो आप तो अभी ये बताएं आप क्या लेके आए हुए माशाल्लाह से, जरा जावा जरा भाई बताएं। जावा लिया मैं 3200 बोल रहा हूँ, 3000 में दे रहा हूँ। देखिए भाई बिल्कुल जायज रेट है और ये है कि इस वक्त इसके इतने ही रेट होने चाहिए, इससे कम नहीं, क्योंकि इसमें बड़ी मेहनत लगती है और आसान काम नहीं है इसको ब्रीड कराना जावा को। बदायल लोगों को नजर आता है, 5 बच्चे 4 बच्चे। उम्र देख लो, मैं गारंटी से बोलता हूँ ये मेरे घर के ब्रीड है और ये 10-12 ये पिछले सीजन के ये ब्रीड है, ये फर्स्ट क्लच के ये ब्रीड है अब, यानी कि रेडी टू ब्रीड बिल्कुल। इनको खाली हंडिया देने का देर है। ठीक, और इसके साथ का जो मैंने जोड़े भी लगाए वो ऑलरेडी ब्रीड आ चुके हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा क्या लेके आए हैं? नीचे ग्रे जावा। अच्छा भाई, नीचे ग्रे जावा भी लेकर आए हैं माशाल्लाह से, बड़ी खूबसूरत है, आप देख लो फुल साइज है। बिल्कुल नज़र आ रही है, चीज़ क्वालिटी नज़र आती है। तो आप ये बताएं कि नाम नंबर अपना शेयर करें, किसी भाई को चाहिए देखें भाई, जावा बहुत ही अच्छी है, खूबसूरत है, साफ सुथरी है और एक सीनियर ब्रीडर की हैसियत से ये फीमेल कंफर्म करके देता हूँ। यही सीनियर ब्रीडर से लेने का भी एक फायदा, फीमेल शॉर्ट है, आपको मेल जितने चाहिए मेरे पास से मिल जाएगा। ठीक है, चले अपना नाम नंबर लोकेशन से। नाम मारियो है, लोकेशन सदर है न्यारी के पास और नंबर है तुम्हारा 0300-229-2307। सर जी, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका चैनल से जो भी आया इंशाल्लाह मैं डिस्काउंट करके करके देंगे और अच्छा माल दूंगा। ठीक हो गया, चले उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।